नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आज अमेठी में जो है स्मृति ईरानी ने आखिरकार अपना नामांकन कर दिया है। स्मृति ईरानी के नामांकन के पहले ही जो है वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो कांग्रेस के गौरीगंज केंद्रीय कार्यालय में जो घुस करके उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मारपीट की है। ये खबर निकल के आई है, वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से जो है वो एसपी साहब को पत्र लिखा गया है, एफआईआर की कॉपी दी गई है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम भी जो है उसमें बाकायदा लिखा गया है कि किस तरीके से जो है वो काफिला निकल रहा था स्मृति ईरानी के, और फिर अचानक जो है वो बड़े पैमाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो केंद्रीय कार्यालय, जो कि गौरीगंज में कांग्रेस पार्टी का पार्टी दफ्तर है, कार्यालय है, वहां पर जो है वो घुसते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। लगातार जो है वो इस तरीके की स्थिति अभी से ही सामने आने लगी है कि मारपीट जो है वो आमने सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से ही होने लगे। समझिए, चुनाव जो है वो नामांकन के शुरुआत से ही जब ये स्थिति है, तो प्रचार और प्रचार में चुनाव तक क्या स्थिति अमेठी की होगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आखिर ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति बनी क्यों? कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि वो और उनके दो तीन साथी जो है वो पार्टी दफ्तर में खड़े थे, अचानक जो है वो कांग्रेस स्मृति ईरानी का जो नामांकन का काफिला था वो निकल रहा था बाकायदा गाजा बाजे के साथ, तो फिर उसी दफ्तर के सामने जो है वो कुछ लोग खड़े थे। अचानक जो है वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कहना है कि उन लोगों को देखने के बाद वो हमलावर हो गए और पार्टी दफ्तर तक घुस गए, उनके साथ मारपीट की, सीने में चोट आई, सर में चोट आई, अब जो है उन्होंने बाकायदा एफआईआर की मांग की है पुलिस अधीक्षक से। तो इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आई है। आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, बगल में जो स्क्रीन चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति है। दरअसल आपको बता दें, आज जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी जी आज नामांकन की हैं और नामांकन के बाद उन्होंने जीत का दावा किया है। स्मृति ईरानी के साथ जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, वो भी आए हुए थे, और बाकायदा जो है वो जातीय समीकरण को सेट करने की कोशिश जो है वो अमेठी में साफ तौर पर देखने को मिली है। लेकिन अब तो ये चुनाव और चुनाव प्रचार और फिर मतदान जिस दिन घोषित होगा, ये सब कुछ पता चलेगा कि कौन अमेठी में विजयी होता है। लेकिन अमेठी में जो है वो आखिर भाजपा कार्यकर्ता हो या फिर स्मृति, इन लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत अभी से क्यों होने लगी है? क्योंकि राहुल गांधी का तो अभी ऐलान भी नहीं हुआ है कि वो अमेठी में इससे लड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके की मारपीट और इस तरीके की चीज़ें, खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं, जो कि चिंताजनक हैं। लोकतंत्र में जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर क्या कुछ जो है वो, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जरा पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से गाना, पीछे गाने चल रहे हैं और फिर दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बाकायदा कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं और किसी के साथ मारपीट करते हैं। हालांकि किसके साथ मारपीट करते हैं ये वीडियो में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम सिंह के द्वारा, कि उनके और उनके दो तीन साथियों के साथ मारपीट की जाती है स्मृति ईरानी के गुंडों के द्वारा, इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। एक एफआईआर भी जो है वो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा है, हम आपको बता देते हैं। उनमें साफ, उसमें जो एफआईआर की कॉपी में उन्होंने जो लिखा है वो चीज़ें कहा है कि 1 बजे शुभम सिंह और उनके साथी ब्रजेंद्र सिंह दोनों अपने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने खड़े थे, तभी राजू सिंह लाल जी और अपने 10 साथियों के साथ आकर ब्रजेंद्र सिंह को भद्दी भद्दी गाली देने लगते हैं और फिर वहाँ से तुरंत हट जाने के लिए कहते हैं। उनके न हटने पर वो हमलावर हो जाते हैं, जान बचाने की कोशिश में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भागते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो वहाँ पर भी घुस करके हमला कर देते हैं, जिसमें अब कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि उनके सर में और सीने में चोटें आई हैं, और इस पूरे मामले में जो कार्यालय में उपस्थित विकास यादव का मोबाइल फ़ोन भी जो है वो छीन लिया जाता है। अफरा तफरी में विनय दुबे को भी चोट आती है। इस तरीके की चीज़ें हैं। इस पूरे प्रकरण को जो है वो उन्होंने
उचित कार्रवाई की, प्राथमिकी दर्ज करके जो है वो उचित कार्रवाई की मांग जो है वो अमेठी एसपी साहब से की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है वो अभी निकल के आई है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि जो अमेठी में बदलाव की स्थिति देखते हैं या फिर से जो है वो स्मृति ईरानी को देखते हैं, आखिर ये जो चुनाव से और मतदान से ठीक पहले जो ये बवाल देखने को मिल रहा है अमेठी में, ये किस चीज़ का डर है भाजपा के लोगों को? आखिर ये जो है वो चीज़ें क्या हुई, क्या इस तरफ से आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो है वो डर या हताशा से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता घुसकर मारने लगे, या फिर किसी तरीके की जो है वो चैंटिंग की गई होगी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, या फिर किसी तरीके की नारेबाजी की गई होगी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? अब ये तो जो है वो कुछ समय बाद ही धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बताया। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या अमेठी में बदलाव की बयार बहने वाली है, बदलाव परिवर्तन होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है? आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Thank you.